इसके लिए जहाज के चालक दल यानी क्रू मेंबर्स के साथ साथ उन यात्रियों की भी तारीफ करनी चाहिए जो मौत को सामने देखने के बाद भी हिम्मत से हालात का सामना करते रहे और मौत को मात देकर वहां से महफूज निकल आए। ये असल में 90 सेकेंड की एक थ्योरी पर सब कुछ टिका हुआ है। मंगलवार को जापान की राजधानी टोक्यो के हनेडा हवाई अड्डे पर रनवे पर दो जहाज की टक्कर हुई और रनवे पर सैकड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई। जिस विमान में आग लगी उस पर 379 मुसाफिर सवार थे। जलते हुए विमान की तस्वीरें जो सामने आईं, उसमें विमान की खिड़कियों से आग की लपटें निकलती देखी गईं। वीडियो में रनवे पर खड़े इस विमान की खिड़कियों से आग की लपटें निकलती देखी गई। खुलासा हुआ, तटरक्षक विमान के साथ टक्कर में विमान में आग लगी। हादसे के बाद कोस्ट गार्ड विमान के 5 क्रू मेंबर लापता। कोस्ट गार्ड विमान के 5 क्रू मेंबर के मारे जाने की खबर। भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था विमान। अब हो रही है इस टक्कर की हर एक एंगल से जांच। मंगलवार को टोक्यो के हनेडा हवाई अड्डे पर यात्री विमान आग की लपटों में घिरा हुआ था। लैंडिंग के दौरान जापान कोस्ट गार्ड -8 विमान यात्री विमान से टकराया। विमान के टकराने से चालक दल के 6 सदस्यों में से 5 की मौत हुई। कोस्ट गार्ड -8 जिस एयरबेस A350 से टकराया उस पर 779 यात्री और चालक दल बाल बाल बचे। जापान की समाचार एजेंसी के मुताबिक विमान के कुछ दरवाजे ना खुलने के बावजूद ये सफल इवैक्यूएशन रहा और कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारों का कहना है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों की ओर से की गई मेहनत ने ही जहाज के मुसाफिरों को थोड़ा समय दिया। एक अध्ययन में पता चला कि यदि विमान में आग लगने का पता चलता है तो पायलटों के पास विमान को सुरक्षित रूप से उतारने के लिए 17 मिनट होते हैं, जबकि मंगलवार की दुर्घटना के समय यात्री विमान पहले से ही उतर रहा था, लिहाजा लोगों को बाहर निकलने के लिए समय मिल गया। हालांकि हवाई अड्डे पर विमान बचाव और अग्निशमक इकाइयां होती हैं, लेकिन आपातकालीन स्टाफ को मौके पर पहुंचने में 3 से 5 मिनट या उससे अधिक समय लग सकता है। किसी भी विमान के ढांचे में आग लगने में लगभग 90 सेकंड का समय लगता है। आपात स्थिति में पहले 1 से 2 मिनट यात्री और फ्लाइट क्रू काफी हद तक अपने आप पर निर्भर रहते हैं। हालांकि अब टोक्यो में जहाज की टक्कर के बारे में तमाम पहलुओं से जांच होगी और सच भी खोद खोद कर बाहर निकाला जाएगा, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर एविएशन को कुछ सबक तो दिया है। बस गनीमत ये रही कि इतने बड़े हादसे में किसी की जान नहीं गई। आज तक ब्यूरो। और इस बीच आप उसी दिन ले चलेंगे ओवैसी। इस वक्त राम मंदिर निर्माण के बीच मस्जिद काट चल रहे हैं और ओवैसी ने कहा कि हमारी मस्जिदें महफूज नहीं है। जवाब में गिरिराज सिंह ने ओवैसी को आड़े हाथ लिया है। फिर से ओवैसी का जवाब भी बयान सुनिए। औलाद है, दूध के धुले हुए हैं, इनसे कोई गुनाह हुई? बहन है, औरत है, वो कैसा सा कर रहे हैं आप? है? आप लो अपना, कौन रोक रहा मर्ग से? बदतमीजी कर कैसा होगा किसी को? पकड़े चलिए शुरू करना। सर, गिरिराज सिंह ने आज तक में बात करते हुए कहा है कि मस्जिद भी आर ऑल्सो अंडर अटैक एंड आप कह रहे हैं कि सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होके लड़ना चाहिए। आपके बयान को प्रोवोकेटिव माना जा रहा है और कम्युनल माना जा रहा है और आपके ऊपर केस भी दर्ज हुआ है सर? देखिए, केस तो दर्ज होते रहता है क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। जहां तक मेरी बात है, मेरी जो स्पीच हुई है वो सच्चाई पर मुबनी है। क्या बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर के दिन डिमोलिश नहीं किया गया था? और जब डिमोलिश किया गया था तो किसी एक को भी सजा नहीं हुई? और मोदी सरकार ने डिसीजन के खिलाफ अपील क्यों नहीं की? क्या ये बात सच नहीं है कि अगर 6 दिसंबर को मस्जिद नहीं शहीद की जाती तो कोर्ट का जजमेंट क्या आता? क्या ये बात सच नहीं है कि बगैर मुस्लिम पक्ष को बताए ताले खोले गए? जब कंप्यूटर नहीं था तो चंद मिनट की हियरिंग में जज साहब ने 26 या 25 पेज का ऑर्डर दे दिया
और बाद में वही जज साहब ने अपनी किताब में लिखा कि उनको ऊपर से इशारा मिला क्योंकि उन्होंने अपने कोर्ट की दीवार पर एक काले बंदर को देखा। क्या ये बात सच नहीं है कि जब जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गईं, उसके बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया? ये फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फैक्ट है। इसीलिए हमने जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिलीव के ऊपर आया है, और हमको इस बात का उस वक्त एप्रिहेंशन था जो अब सच साबित हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मसाजिद के ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं। तो ये मैं जो कह रहा हूँ फैक्ट है, वो मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, बट जैसा जस्टिस जे एस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। अब आप मेरे को बताइए टीले वाली मस्जिद किस्सा क्या है, 200 साल पुरानी मस्जिद है, और लुटियंस जब बना रहे थे दिल्ली को तो उसको छोड़कर बनाया गया, तो पहले वहां पर गांवों को हासिल किया गया और मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगाए। आप मस्जिद के ऊपर नोटिस देते हैं, तो ऐसे कई मसाजिद हैं जहां पर संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग या उनकी आइडियोलॉजी से अपने आप को करीब मानने वाले लोग इस तरह के कोशिशें कर रहे हैं। तो अगर मैं इन कोशिशों को देश के सामने रख रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि मैं तो सच्चाई का काम कर रहा हूं, बता रहा हूं। और हम नरेंद्र मोदी सरकार से जानना चाहते हैं कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, उस पर भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का क्या मौकफ है? क्यों नहीं केंद्र सरकार, वजीर आजम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह देते हैं कि हम 91 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फॉलो करेंगे, उसको अबाइड करेंगे, खत्म, किस्सा खत्म कर दीजिए ना। जब आप 91 के एक्ट को मानेंगे तो सब किस्से खत्म हो जाएंगे। मैं आज भी कह रहा हूं कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ये चाहेंगे कि कोई मस्जिद के ऊपर कोई तमाशा ना हो, सब खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात, और अब आपको दिखा देते हैं ओवैसी ने इससे पहले क्या कुछ कहा था, जिसका जवाब अब गिरिराज सिंह ने दिया है। तो मदरसों की, अपने तंजीमों की, अपनी जमातों की हिफाजत करिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्याल सला और हय्याल फला की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सला तो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। जिन्ना तो चले गए 47 में, जिन्ना का जिन ओवैसी में पैस गया है, और ये तमाम मुसलमानों को भड़काते हैं, मुस्लिम युवाओं को भड़का रहे हैं। सुन लो ओवैसी, राम मंदिर तो झांकी है, अभी और सभी बाकी है। वही कर्नाटक में बीजेपी बेंगलुरु से लेकर हुबली तक विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 71 साल पुराने दंगे के केस में हुबली के जिस श्रीकांत पुजारी को गिरफ्तार किया, उसे बीजेपी राम भक्त करा दे रही है। बीजेपी का आरोप है कि सनातन विरोधी कांग्रेस सरकार बदले की कार्रवाई करते हुए चुनिंदा केस में गिरफ्तारी कर रही है, जबकि कांग्रेस सरकार का कहना है कि जिस युवक की गिरफ्तारी की गई वो 1992 के दंगे का आरोपी है और कानून अपना काम कर रही है। अब इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी सड़क पर उतरी है। सगई राज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सगई, ये विरोध प्रदर्शन तो किया जा रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस क्या कह रही है अपने बचाव में? तो कांग्रेस कह रही है कि बहुत ज्यादा पेंडिंग केसेस था श्रीकांत पुजारी के ऊपर, इसी के वजह से उसको अरेस्ट किया गया था। वो राउडी शीटर था, 16 से भी ज्यादा केसेस उसके ऊपर था, इंक्लूडिंग अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस, इसी के वजह से उसको अरेस्ट किया गया था। और गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि पुलिस को कि जो भी पेंडिंग केसेस को उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। और पुलिस कमिश्नर के अनुसार उन्होंने जब इंडिया टुडे से बात किया था, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर 16 से भी ज्यादा केसेस था, ये अब्सकॉन्डिंग था, इसी के वजह से उसको अरेस्ट करके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस किया गया है, अभी जुडिशियल कस्टडी में है। और अयोध्या के प्रोटेस्ट और अरेस्ट के ऊपर कुछ संबंध नहीं है, मगर बीजेपी ये इसके बारे में पॉलिटिसाइज कर रही है। कांग्रेस ये भी कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।
इसी के साथ यहां रुकना होगा, शुरू से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।